नमस्कार दोस्तों, YouTube के स्प लाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो नवरात्र है ये आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए और बहुत सारी सफलताएं लेकर के आए। इस उम्मीद और अभिलाषा के साथ आइए हम अपना आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि वैसे तो चार नवरात्र होती हैं लेकिन दो गुप्त नवरात्र हैं। इसके अलावा जो दो नवरात्र होती हैं चैत्र में और ये आश्विन में, तो ये दोनों नवरात्र में जो नवरात्र प्रवेश का समय होता है वो समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। वो समय आने वाले 6 महीने साल भर के कार्यकाल को प्रभावित करता है, उस समय की जो ग्रह स्थितियाँ होती हैं। तो इसी आधार पर हम आज ये अपना एपिसोड लेकर के आए हैं कि इस बार का जो नवरात्र है, विशेष नवरात्र, इसमें जो नवरात्र प्रवेश की कुंडली है ये क्या कहती है, क्योंकि देश के सामने बहुत तरह की समस्याएं हैं, खास करके आर्थिक फ्रंट पे और बॉर्डर के फ्रंट पे युद्ध की समस्या, तो काफ़ी अनिश्चितता की स्थिति है। और इसमें हम ये जानेंगे कि जो प्रवेश कुंडली है, नवरात्र की प्रवेश कुंडली, ये क्या कहती है। साथ ही दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस समय ये माना जाता है कि माता नवरात्र काल में अपने मायके आती हैं और माता जिस वाहन से अपने मायके में आती हैं वो, और जैसे वो वापस जाती हैं नवरात्र समाप्त होने के बाद, इन दोनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो दोनों बातें हैं ये भी इंडिकेट करती हैं। और देवी महात्म्य में अलग अलग वारों के आधार पर किस वार में माता जब आती हैं, यानी कि स्थापना होती है माता के कलश स्थापना, तो वार के आधार पर ये माना जाता है कि माता का आगमन किस पे हुआ है। तो इस वर्ष जो है रविवार को चूंकि कलश स्थापना होगी, तो रविवार के आधार पर शनिवार रविवार को जब होता है तो माता माना जाता है कि माता गज में, हाथी में सवार होकर के आ रही हैं। और गज में सवारी जब माता करती हैं और उससे उनका आगमन होता है, तो इसका जो फलित है वो यह है मित्रों कि अच्छा फल उसका होता है, कृषि के क्षेत्र में विशेष फायदा होता है, कृषकों को विशेष फायदा होता है, वर्षा अच्छी होती है उस वर्ष में। और लेकिन साथ ही युद्ध की परिस्थितियां और आर्थिक स्थिति में कुछ मंदी की स्थिति भी आती है, युद्ध की परिस्थितियां भी बनती हैं। तो ये माता के हाथी में, गज में सवार होकर के आने का फलित है। राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति भी रहती है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद माता के जो जाने का समय है, तो विजयादशमी मंगलवार को पड़ रही है और उसके आधार पर इस बार माता बिना किसी वाहन के खाली पैर जाने वाली हैं। और ये जो है नैराश्य का प्रतीक माना जाता है, ये माना जाता है कि माता नाराज हैं और व्याकुलता है, निराशा है, तो निराशा और व्याकुलता के भाव भी उससे प्रकट हो रहे हैं। तो ये इस बार का जो नवरात्र है उसमें क्या किस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं माता के आने और जाने के दिन से, समय से, ये मैंने आपसे चर्चा की। अब आइए, ये जो पत्रिका आपके सामने है ये नवरात्र में प्रवेश की प्रतिपदा तिथि जब प्रारंभ हुई हो रही है 28 तारीख को ही रात में 23:58 पे ये प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है और उस समय की मित्रों ये पत्रिका है। इसी तरह से प्रवेश की कुंडली बनाई जाती है, जिस समय पर तिथि प्रारंभ होती है उस समय की पत्रिका बना के उसका आकलन करने से, उसका मंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर आकलन करने से, साथ ही जन्म कुंडली पे भी उन ग्रहों को बैठा करके उसमें आकलन ज्योतिष के सहारे किया जाता है। तो ये मैं आइए अब इसको प्रारंभ करता हूँ। इसके पहले आप सभी से फिर से अनुरोध कि हमारे
यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स हम लेकर के आते हैं जो कि सही मायने में ज्योतिष को इंगित करते हैं। मन माफिक चीज़ें बोलना ये हमारा सिद्धांत नहीं है, हम ज्योतिष के आधार पर ही बातें करते हैं और अनुभव के आधार पर बात करते हैं। 30 वर्षों का मेरा अनुभव है ज्योतिष का और मैंने शनि के भी कई ट्रांजिट, शनि का जो 7.5 का ट्रांजिट देख चुका हूँ मैं, गुरु के कई ट्रांजिट देख चुका हूँ, राहु के कई ट्रांजिट देख चुका हूँ, उनके प्रभाव देख चुका हूँ। तो उसके आधार पर मैं गणना के आधार पर ये अपनी कथन कहता हूँ और आगे भी, और हमारा ये भी पर्पस रहता है कि नए तरह के एपिसोड्स लेके आए जो कि ज्योतिष के मामले में भी जो लोग हमारे मित्र सीख रहे हैं वो उनको भी कुछ मार्गदर्शन हो और साथ ही कुछ इनपुट्स भी उनसे प्राप्त हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर अगर आपको एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि ये जो प्रवेश कुंडली है प्रतिपदा तिथि की, इस कुंडली को आप देखिए। सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो लग्न है मिथुन लग्न की कुंडली है मित्रों, 3 नंबर आप देख रहे होंगे, ये लग्न का स्थान है। जैसा कि हम जानते हैं ज्योतिष में जो जुड़े हुए लोग हैं, ये जो है ये लग्न का स्थान है और यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 नंबर लिखा हुआ है और 3 नंबर में राहु बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न है और लग्न में राहु की स्थिति आप स्पष्ट देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप चौथे भाव में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भाव ये है इस वर्ष जो नवरात्र प्रवेश की कुंडली बन रही है, इसमें पंचग्रही योग है मित्रों और ये चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये 5 ग्रहों का की युति इस भाव में हो रही है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या डिनोट करती है। गुरु आप देखिए वृश्चिक राशि में 8 नंबर में, 6वें भाव में, यहाँ से आप गिनेंगे तो 6वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं। 7वें भाव में धनु राशि में केतु और शनि है और चूंकि काल सर्प दोष की स्थिति का निर्माण हो रहा है, हमने पहले भी अपने एपिसोड में चर्चा की थी, तो आप देख सकते हैं सारे ग्रह एक तरफ है और इधर का स्थान पूरा खाली है। तो ये जो स्थिति है मित्रों, काल सर्प दोष की स्थिति बनी हुई है और अब हम इसकी विवेचना करते हैं। ये लग्न पत्रिका है और ये नवमांश पत्रिका है। नवमांश पत्रिका में आप देखिए मीन नवमांश है, लग्न का नवमांश मीन है और राहु केतु जो है ये वर्गोत्तम हो गए हैं, स्थान वर्गोत्तम है, यहाँ पे जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ भी वहीं बैठे हुए हैं तो ये स्थान वर्गोत्तम हो गए हैं। तो राहु और केतु का विशेष प्रभाव ये जो प्रवेश कुंडली है इसमें हम देख रहे हैं मित्रों। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लग्न की हम आइए विवेचना करते हैं। लग्न का स्थान जो है वो जनता का स्थान माना जाता है, राष्ट्र के सम्मान का स्थान माना जाता है और इन जनरल स्वास्थ्य और इस तरह की जो चीज़ें हैं देश के नागरिकों की वो कैसी रहेंगी, इसको ये डिनोट करता है लग्न का स्थान। तो लग्न में, लग्न इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लग्न में आइए देखते हैं कि जब राहु बैठे हुए हैं और लग्न का जो स्वामी है बुध वो चला गया है 4th भाव में, बुध गए हैं लेकिन कम्बस्ट है दोस्तों, सूर्य के बहुत पास होने से बुध जो है कम्बस्ट है, तो ये एक नेगेटिविटी, हालांकि वो स्वग्रही है और साथ ही साथ वर्गोत्तम भी है, जहां इस कुंडली में भी 6 नंबर में कन्या राशि में बैठे हुए हैं और यहां पर भी कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो वर्गोत्तम बुध है लेकिन कम्बस्ट है और लग्न में राहु की स्थिति यहाँ पर भी है, नवमांश में भी है। तो इसका मतलब है जब राहु कहीं भी लग्न में बैठते हैं तो एक अस्थिरता का भाव होता है, जनता के बीच एक अस्थिरता का, अनिश्चितता का भाव रहेगा आने वाले समय में भी और बहुत सारी चीज़ों में एक अनिश्चितता का भाव हर व्यक्ति के मन में रहेगा। हो सकता है कि वो जॉब को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो या आर्थिक स्थिति को लेके हो, तो एक तरह का अनिश्चितता का भाव या युद्ध के बादल हैं, इस तरह की जो स्थितियों का प्रादुर्भाव हुआ है तो वो कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि लग्न में मित्रों
राहु की स्थिति है। हालांकि अष्टक वर्ग के आधार पर जब विवेचना हमने की है तो 34 पॉइंट ये आप देख सकते हैं, अष्टक वर्ग में 34 पॉइंट मिले हैं और 34 पॉइंट बहुत ही अच्छा एक मार्क माना जाता है अष्टक वर्ग एनालिसिस में। तो इतनी परिस्थितियां खराब होने के बावजूद भी, जबकि लग्न में राहु है और बुध भी कंबस्ट है और पंचग्रही योग में बुध पड़ा हुआ है जिसमें मंगल उसका शत्रु है और साथ ही चंद्रमा भी उसका शत्रु है, तो दो दो शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है बुध, लेकिन इसके बाद भी चूंकि अष्टक वर्ग में अच्छे नंबर हैं तो परिस्थितियां अंडर कंट्रोल रहेंगी। परेशानियों के बावजूद देश जो है प्रगति के पथ पर निश्चित रूप से बढ़ेगा ऐसा लगता है। अब दूसरे नंबर पे चूंकि आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता सभी में है, तो आर्थिक स्थिति देखने के लिए हम देखेंगे मित्रों दूसरा भाव, साथ ही 11वां भाव और साथ ही 5वां और 7वां भाव। ये चार भाव मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आर्थिक स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि चौथे जो चार नंबर जहाँ लिखा हुआ है कर्क राशि दूसरा भाव, जो धन का स्थान है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का स्थान है, करेंसी की स्टेबिलिटी का स्थान है, तो इसका स्वामी हालांकि सूर्य के साथ अमावस्या तिथि के पास है तो अस्त है, चंद्रमा भी अस्त है और वो भी शत्रु के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी समस्याएं दिख रही हैं। एकादश भाव का स्वामी मंगल है जो कि उच्च का हो गया है नवमांश में, तो ये जो परिस्थितियां हैं, जबकि एकादशेश लाभ का स्वामी उच्चस्थ है और साथ ही वो भी इस पंचग्रही योग में बैठा हुआ है, तो ये स्थितियां ये डिनोट करती हैं कि आर्थिक स्थिति डामाडोल सी रहेगी। आइए शेयर को देखते हैं, शेयर देखा जाता है पांचवें भाव से, तो शेयर की स्थिति में अगर देखें तो पांचवें भाव शुक्र है, शुक्र उसका स्वामी है और शुक्र जो है वो भी नीच का होकर के, हालांकि नीच भंग बुध की वजह से हो रहा है, नीच का होकर के चतुर्थ भाव में पंचग्रही योग में पड़ा हुआ है, तो शेयर के भाव भी काफी उसमें उतार चढ़ाव होगा ये बात निश्चित है और आर्थिक स्थिति यहाँ से भी डावाडोल नजर आती है। सप्तम भाव को अगर देखें तो उनको उसमें सिर्फ 19 पॉइंट मिले हुए हैं, साथ ही केतु और शनि की स्थिति है, तो ये जो बातें हैं ये बताती हैं कि आर्थिक स्थिति थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाएगी, आर्थिक स्थिति में चैलेंजेस रहेंगे। हालांकि अष्टक वर्ग में 43 पॉइंट है सेकेंड हाउस को और 31 पॉइंट है लाभ स्थान को, तो ये दोनों भी अच्छे पॉइंट्स हैं मित्रों, तो कठिनाइयां हैं लेकिन कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत ज़्यादा भयग्रस्त होने की बात नहीं है, चीज़ें मैनेजेबल हैं, धीरे धीरे मैनेज होती जाएंगी, अनिश्चितता रहेगी लेकिन प्रोग्रेशन रहेगा, आगे बढ़ने की स्थिति रहेगी। इसके बाद मित्रों आइए हम आते हैं चौथे भाव की तरफ जो कि महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि एक एक भाव अगर मैं लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चौथा भाव जो है ये सबसे प्रमुख भाव इस कुंडली में हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें पंचग्रही योग बन रहा है मित्रों। अब ये पंचग्रही योग जो है इसका फलित अगर आप देखें मानसागरी में, इसका फलित है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, अगर किसी जातक की पत्रिका में ये पंचग्रही योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो है बंधु बांधवों से उदासीन रहता है और असत्यभाषी रहता है, स्वार्थी रहता है और साथ ही ऐसे व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ती है, मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती ऐसे व्यक्ति की। तो ये जो स्थिति है, ये जो पंचग्रही योग बन रहा है, ये योग अपने आप में अच्छा नहीं है, ग्रहों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है और चतुर्थ भाव में जब ये योग बन रहा है तो चौथा भाव मंडेन एस्ट्रोलॉजी में कृषि का माना जाता है। चौथा भाव मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो रिसोर्सेज हैं देश के, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका माना जाता है, सांप्रदायिक स्थिति का भी माना जाता है, साथ ही अपोजिशन पार्टी का भी माना जाता है, तो ये सब ये पांचवा भाव जो है रिप्रेजेंट करता है सांप्रदायिक सद्भाव, अपने नेचुरल रिसोर्सेज देश के
और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, विपक्षी दल, इन सब का ये पांचवा भाव है। तो अब पांचवें भाव पे अगर दृष्टि डालें तो पांचवें भाव में समस्याएं हैं पंचग्रही, माफ कीजिएगा, चौथे भाव पे अगर नजर डालें तो चौथे भाव में समस्याएं हैं, चौथे भाव में पंचग्रही योग जो कि अच्छा नहीं वो बन रहा है, और इस वजह से जबकि सूर्य के पास में बुध है जो कि चतुर्थेश, बुध कंबस्ट हो गया है, तो सूर्य जो है बुध को दोनों तरफ से प्रभावित कर रहा है, उसकी राशि में बैठ करके भी, और कंबस्ट भी हुआ है बुध। साथ ही मंगल जो कि इस लग्न के लिए काफ़ी खराब ग्रह माना जाता है, एकादशेश और षष्ठेश है, रोग का स्थान है, परेशानी का स्थान है, कर्ज का स्थान है, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। तो ये जो साथ ही व्यय का जो स्वामी है पंचमेश और साथ ही व्ययेश है शुक्र, ये भी इस युति में संलग्न है। तो कुंडली को देखने पर भी ये जो युति है ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, जो कि ये बताता है कि प्राकृतिक संसाधनों के विषय में कुछ समस्याएं आएंगी, प्राकृतिक संसाधनों के मामले में देश को कष्ट की स्थिति झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए, विदेशी लोग आकर के पूंजी लगाएं और उसका उपभोग करें, इस तरह की भी स्थिति दिखाई दे रही है। तो द्वादशेश बारहवें भाव का स्वामी आकर के बैठ रहा है, साथ ही लग्न में जो राहु है, राहु भी विदेश को रिप्रेजेंट करता है, विदेशी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो विदेशी चीज़ों का यहाँ पर चौथे भाव में प्राकृतिक संसाधनों में उनका ध्यान आकृष्ट होकर के, और वो यहाँ पर पूंजी अपनी लगाएंगे, साथ ही इससे देश को लाभ भी होगा क्योंकि द्वितीयेश यहाँ पर बैठा हुआ है और लाभेश भी है मंगल। तो जहाँ पर एक तरफ ये ग्रह स्थितियाँ जो है प्राकृतिक संसाधनों का विदेशी व्यापारियों द्वारा उपभोग दिखा रही है, और वहीं पर देश को लाभ की स्थिति भी दिखा रही है, तो ये चतुर्थ भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थ भाव में पंचग्रही योग जो बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देश को आर्थिक लाभ होगा प्राकृतिक संसाधनों से, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग की दर बढ़ेगी और उसमें विदेशी कंपनियों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। साथ ही जो पंचग्रही योग है इसकी दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की, दशम स्थान जो कि राज्य पक्ष का स्थान है, शासन का स्थान है, वहाँ पर पड़ रही है, तो ये जो स्थान है इसके लिए भी ये ठीक नहीं है। राज्य शासन में जो बैठे हुए लोग हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ हो सकती है, उनके लिए कष्टप्रद स्थितियाँ हो सकती, क्योंकि दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है जो कि छठवें भाव में बैठा हुआ है, तो छठवां भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है, वहाँ पर उसका बैठना अच्छा नहीं है। तो राज्य पक्ष के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। राज्य पक्ष के भाव में अष्टक वर्ग में भी सिर्फ 26 पॉइंट हैं जो कि कम है बाकी पत्रिका के जो अष्टक वर्ग के पॉइंट्स हैं उसको देखते हुए। तो ये जो बातें हैं ये बता रही हैं कि राज्य पक्ष को, शासन को कुछ कष्ट, शासन में बैठे लोगों को शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, व्यावहारिक रूप से कष्टप्रद स्थिति का सामना जरूर करना पड़ सकता है। रोहिणी नक्षत्र में जब भी शनि का संचरण होता है, पास्ट में हमने देखा है कि युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं, तो ये जो शनि का अंतर, चंद्रमा में शनि का अंतर दिसंबर से होने वाला है, 14 दिसंबर 2019 से, और ये लगभग 15-7-2021 तक ये रहेगा, और इस समय चंद्र शनि में लॉन्ग टर्म युद्ध की परिस्थितियाँ निश्चित रूप से हमको देखने में आ सकती हैं, विशेष करके पड़ोसी के साथ। तो आने वाले समय में इसका तात्पर्य है, चूँकि इस पत्रिका में भी ये केतु और शनि की युति ये बता रही है सप्तम भाव में कि युद्ध की परिस्थितियाँ बन सकती है, और भारतवर्ष की पत्रिका में जो कि वृषभ लग्न की पत्रिका है इसमें चंद्र में शनि का अंतर आने वाला है और निश्चित रूप से युद्ध की परिस्थितियाँ ये बनाएगा, लॉन्ग टर्म युद्ध की परिस्थितियाँ आने वाले समय में हो सकती हैं। तो ये हमारा आकलन है। अब इस समय मित्रों
सबसे महत्वपूर्ण भाव देखिए ये आठवां भाव और नौवां भाव है। आठवां भाव जो है वो नेचुरल कैलामिटीज का भाव है, प्राकृतिक आपदा हो, जन धन की हानि को भी ये भाव इंडिकेट करता है, समस्याओं को, रोग को ये इंडिकेट करता है। और इसका स्वामी शनि जो है आप देख सकते हैं एक नंबर पर शनि है, सबसे मजबूती से शनि बैठे हुए हैं, तो शनि बहुत मजबूत है और वो लग्न पर भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, राहु केतु के एक्सिस में है। साथ ही शनि कौन है, नौवें भाव के भी स्वामी है, जो कि लीगल कोर्ट का भाव है, कानूनी निर्णयों का भाव है, कानून का भी भाव है। तो आने वाले समय में ये इंडिकेट कर रही है पत्रिका कि कुछ ऐसे कानून बन सकते हैं या कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिससे देश प्रभावित हो, देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां बने जो कि कुछ समस्याएं दे सकती हैं। साथ ही युद्ध की परिस्थितियां भी देश को देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे इस एनालिसिस का आकलन है। और मेरा ये सोचना है कि ये परिस्थितियां बनेंगी और हमें इसके लिए जरूर अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि सब पूरी कुंडली को देखने से जो समझ में आ रहा है कि देश के जमीन पर जो है और देश की जो मुख्य पत्रिका बन रही है प्रवेश पत्रिका, उसमें भी राहु का प्रभाव है, अर्थात कहीं ना कहीं विदेशी लोगों का कुछ प्रभाव इसमें आ सकता है। और साथ ही युद्ध की परिस्थितियां हैं, तो इसका मतलब है कि युद्ध में भी कुछ विदेशी लोग जो दूसरे लोग हैं, दूसरे मुल्कों के लोग हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है।